रामायण में जिक्र आता है कि रावण के साथ युद्ध शुरू होने से पहले प्रभु श्री राम ने उसके पास अपना दूत भेजा ताकि शांति स्थापित हो सके। प्रभु राम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि युद्ध विध्वंस ही लाता है। वे जान रहे थे कि युद्ध में अनगिनत मानवों, वानरों और राक्षसों की जान जाने वाली थी। इसीलिए रावण के क्रूर और अहंकारी प्रवृत्ति के बारे में जानते हुए भी उन्होंने सर्वप्रथम शांति का ही प्रयास किया, क्योंकि युद्ध हमेशा ही अंतिम पर्याय होता है। शत्रु पक्ष पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अक्सर एक मजबूत व्यक्तित्व को ही दूत के रूप में भेजा जाता रहा है। प्रभु श्री राम ने भी ऐसा ही किया। दूत के रूप में भेजा भी तो आखिर बाली के पुत्र अंगद को। ये वो ही बाली था जिसकी कांख में रावण 6 महीने तक रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि शांति का प्रस्ताव लेकर कौन जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, प्रस्तुत है दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया, इसका तृतीय भाग। उसके दुस्साहस के समक्ष गंधर्व यक्ष भी मांगे पानी, उसके दुस्साहस के समक्ष गंधर्व यक्ष भी मांगे पानी, मर्यादा सब धूल धूसरित ऐसा था दम भी अभिमानी। संधिवाता के प्रति उत्तर में कैसा वो संदेश दिया दे डाल कृष्ण को कारागृह में, उसने ये आदेश दिया। प्रभु राम की पत्नी का जिसने मनमानी हरण किया, उस अज्ञानी साथ राम ने प्रथम शांति का वरण किया। ज्ञात उन्हें था अभिमानी को मर्यादा का ज्ञान नहीं, वध करना था न्याय युक्त बेहतर इससे कोई त्राण नहीं। फिर भी मर्यादा प्रभु राम ने एक अवसर प्रदान किया, रण तो होने को ही था पर अंतिम एक निदान दिया। रावण भी दुर्योधन तुल्य ही निरा मूर्खता अभिमानी, पर मर्यादा पुरुष राम थे निज के प्रज्ञा की ही मानी। था विदित राम को की रण में भाग्य मनुष्य का सोता है, रण जो भी लड़ते कटते हैं अंबर शोणित भर रोता है। इसी हेतु तो प्रभु राम ने अंतिम एक प्रयास किया, संधि में था संशय किंतु किंचित एक कयास किया। दूत बना के भेजा किसको, रावण समझो बलशाली, वानर श्रेष्ठ वो अंगद जिसका पिता रहा वानर बाली। महावानर बाली जिसकी कदमों में रावण रहता था, अंगद के पलने में जानने नित कीरा कर फलता था। उसी बाली के पुत्र बली अंगद को ये काम दिया, पैर डिगा ना पाया रावण क्या अद्भुत पैगाम दिया। दूत बली हो अंगद जिसका सोचो राजा क्या होगा, पैर दूत का हिलता ना रावण रण में फिर क्या होगा, पैर दूत का हिलता ना रावण फिर रण में क्या होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता दुर्योधन कब मिट पाया। ये मेरी दीर्घ कविता है, इसका तीसरा भाग था। और यदि आप लोगों को मेरी ये कविता अच्छी लगी है तो आप लोगों से विनती है, आप इस पे अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार देकर मुझे इसको और बेहतर बनाने में मेरी सहायता करें। आप लोगों ने सुना इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ मित्रों। धन्यवाद दोस्तों।